रणनीतिक लिहाज से श्रीनगर ले राजमार्ग रिकॉर्ड 68 दिनों में यातायात के लिए खोल दिया गया। पिछले 3 वर्षों से हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। अब सिर्फ 60 दिनों में सड़क बनाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे सड़क से प्रतिदिन 7 करोड़ रुपए बचाने में मदद मिलेगी। वहीं वायु मार्ग से रक्षा उपकरण व सैनिकों को लद्दाख ले जाने में भारी खर्च आया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने कहा कि जोजिला दर्रे को खोलना हमेशा सबसे कठिन चुनौती होती है। बीआरओ के कर्मियों व अधिकारियों की कड़ी मेहनत के कारण ही हम 67 दिनों में रिकॉर्ड टाइम से पास को खोलने में सक्षम हुए। जी, मेरा नाम नासिर हुसैन जायदी है, मैं कारगिल में रहता हूँ। तो बड़ी खुशी महसूस हो रहा है हमें, क्योंकि इस साल हमारा माह रमज़ान भी आ रहा है, तो बड़ा शॉर्टेज रहता है हमें कारगिल में। जब सोजला बंद होता है तब से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बाहर जो सब्जी आते हैं, कम से कम जो अभी कश्मीर में अगर 20 रुपये का होगा, वो हमें कारगिल में खाना पड़ता है 180 रुपये के केजी। इतनी परेशानियों का सामना करते हैं, और साथ में हमारे माह रमज़ान भी आ रहा है, तो इस बार बहुत जल्दी टोटली ये रोड 68 दिन क्लोज रहा, उसके बाद आज खुल रहे, तो हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि पहली बार हमारे लाभ में हमने देखा, तो पहली बार मार्च में ये रोड कनेक्ट होकर पब्लिक के लिए। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि पिछले सालों में, गत वर्षों में जोजिला को 5 से 6 महीने लगते थे खुलने में। अक्टूबर एंड में बंद हो जाता था और मई में खुलता था, लेकिन पिछले 3 सालों से हम जोजिला को इससे बहुत कम समय में खोलते जा रहे हैं। 2021 में, जैसे आपको ज्ञात है, हमने इसको 110 दिन के बाद ही खोल दिया था। पिछले साल 2022 में मैं यहाँ पर खुद था, 19 मार्च को हमने 73 दिन में इसको खोल दिया था। इस बार हमने उसको भी उससे भी कम समय में इसको हम खोल दिया, आज 68 डेज में। तो हर साल हम इस समय को कम करते जा रहे हैं। कि अभी जैसे आपको ज्ञात है कि जेड मोड पर और जोजिला में टनल्स बन रही हैं 6 किलोमीटर की और 14 किलोमीटर की, तो वो जल्दी 2-3 साल में पूरी हो जाएंगी। उसके साथ में जो सोनमर्ग से घुमरी के इलाके में, इन दोनों टनल्स के बीच में, और सोनमर्ग से जेड मोड टनल के एंट्री तक, और इधर से जोजिला टनल से घुमरी के आगे भी स्नो प्रोटेक्टिव वर्क्स बनाए जाएंगे, जिससे इस एक्सिस को पूरे साल खोल के हम रख पाएं। देखिए, हम जैसे आज हमने खोला तो दोनों तरफ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि वो सारे ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो सारे जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी बातों को माना जाए, जो पुलिस उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, जिससे कहीं पर भी जैम ना हो। और आपको ये भी ज्ञात है कि हमने किलोमीटर 95 से और 0 पॉइंट तक सोनमर्ग की तरफ से और इधर से घुमरी से ये ILCB भी लगा दिया है, जिससे ट्रैफिक के आवाजाही में बहुत आराम मिलता है। काफ़ी इलाकों में हमने क्रैश बैरियर्स भी लगाए हैं और बाकी प्रोटेक्टिव वर्क्स भी हम बना रहे हैं, कुछ जगह पे ब्रिजेस भी बनाए हैं, जिससे कोई भी एवलांच होता है तो उसमें कोई अड़चन ना आए ट्रैफिक के ऊपर, और ट्रैफिक पूरी स्मूथली चलता रहा। देखिए, सड़क की उससे नहीं रुकती हैं गाड़ियाँ, रुकती हैं ड्राइवर्स जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, एक दूसरे को इस छोटी रोड पर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर उसको डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। अमरनाथ यात्रा आपको दिया गया इस बार, तो कैसे स्ट्रेटजी रहेगी अमरनाथ यात्रा को? उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इस बार आशा है कि अमरनाथ यात्रा मेरे ख्याल से 10 या 15 जून को शुरू हो जाए, और हमारे पास में समय कम है, लेकिन उसको दोनों तरफ से हम ट्रैक्स को मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट बीकन है, बालटाल की तरफ से भी और पहलगांव की तरफ से भी, उसमें उसमें इम्पोर्टेंस क्या है जो लद्दाख है रोड की? लद्दाख के लिए बहुत फौज का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये ही केवल मेन एक्सिस है जिससे लद्दाख को जोड़ा जाता है, और फौज का जो भी हमारा हथियार और टैंक्स और गन्स अगर जरूरत पड़े तो दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण है। गांधरबल से द अर्थ न्यूज के लिए रही शाह की रिपोर्ट।